भाई छोटा रंगा को काशी लाल मंदिर रानेश्वर महादेव मंदिर तो आज हम आए हैं रानेश्वर महादेव मंदिर रानीवाड़ा। खुद बहुत इच्छा था हमें महादेव का, और आपको इधर महादेव जी के दर्शन भी करवाएंगे। रानेश्वर महादेव मंदिर। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। डीएसपी चैनल का नाम है, जरूर लाइक कीजिए आप। डीएसपी रानीवाड़ा खुर्द चैनल का नाम है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आए छोटा रानीवाड़ा, जहाँ पे श्री रानेश्वर महादेव राम दर्शन करने। बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पे, बहुत प्राचीन काल के टाइम से बहुत अच्छा मंदिर है। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री रानेश्वर महादेव धाम के। ये आपको मैं सड़क पे जाके आजू बाजू का नज़ारा दिखा रहा हूँ, भगवान के मंदिर के आजू बाजू का, और वहाँ पे आपको दर्शन करवाऊंगा भगवान के श्री रानेश्वर महादेव धाम के। अब हम आगे नीचे जहाँ पे श्री रानेश्वर महादेव धाम, देखिए आपको साक्षात श्री रानेश्वर महादेव धाम के दर्शन करवाता हूँ। ये मारवाड़ी में अपने बोलते धोना है, एक इधर धोना है, एक और भी धोना है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत साल पुराना धोना है, और आपको दर्शन करवाऊँगा श्री रानेश्वर महादेव धाम के। फाइनली अपन आ गए रानेश्वर मंदिर धाम, एंट्री ले ली अंदर, और ये देखिए श्री हनुमान जी बजरंगबली का यहाँ पे एक मूर्ति बनाई हुई है, स्थापित है। और आपको दिखाता हूँ, ये नंदी जी बैठे हुए इधर, और यहाँ पे मंदिर है। अब अंदर जाके आपको दर्शन करवाऊँगा भगवान के। वाणी श्री राम सापीर गजानन जी महाराज बिराजे हुए हैं। आइए अभी श्री रानेश्वर महादेव धाम के आपको दर्शन करवाता हूँ। देखिए श्रीमान श्री रानेश्वर धाम मंदिर के दर्शन कीजिए। जय श्री भोलेनाथ। देखिए भगवान के साक्षात दर्शन रानेश्वर महादेव धाम के। बहुत बढ़िया मंदिर है, आइए आप भी कभी, बहुत मस्त है, अच्छा मंदिर है। देखो दर्शन कीजिए भगवान के। दर्शन कर लिए महादेव जी भगवान के। अब ये मारवाड़ी में अपन बोलते हैं इसको हाड़, ये हाड़ है। यहाँ पे जो अमल वगैरह होता है, डोडा वगैरह पीते, जो बाबा के भक्त यहाँ पे बैठते, आके आराम से बाबा के नाम लेते। फाइनली अपन ने यहाँ पे दर्शन कर लिए भगवान के। अभी चलते गार्डन की तरफ, आइए आपको गार्डन का नज़ारा दिखाते। यहाँ पे एक छोटा सा और टेम्पल है महादेव जी मंदिर का, इसका भी दर्शन कराते। देखिए आपको जूम करके दर्शन कराते। यहाँ पे एक अंकल जी है जो गार्डन की रख रखाव करते हैं। बहुत अच्छा गार्डन का रख रखाव किया हुआ है अभी तक, बहुत अच्छे से साफ सफाई वगैरह यहाँ पे रखते हुए। अंकल से ये बात करते हैं अपन, अंकल जी से रुकिए दो मिनट, दो शब्द बोलेंगे अपने अंकल जी। देखिए अंकल जी बैठे इधर, इनसे बात करते। इसको हम लोग मारवाड़ी की भाषा में हम लोग बोलते हेमाड़ा, ये हेमाड़ा है, इसको हेमाड़ा बोलते मारवाड़ी में। और बीजू भैया ओपरे महादेव जी थोने आपने सुबह इंठाइस हुई रानीवाड़ा खुर्द में आए लो छोटो रानीवाड़ा में, और प्राचीन काल रो बहुत पुराना मंदिर है, आपने सबने ठाईस हुई भाई सबने, और बहुत अच्छा वातावरण है आजू बाजू में, बहुत बड़ो गार्डन है, अटे अटे कबूतर दाना छग रिया, देखो आप सब जना देख रहे हैं आपने सब भाइयों ने, बीजू भाई ने आपने सबने को, बहुत बड़ो प्राचीन काल रू मंदिर है, आप आओ दर्शन करने कदी बन मस्त महादेव मंदिर जी। बहुत अच्छा नज़ारा हटे, वातावरण बहुत बढ़िया है, आओ कदी भगवान ने दर्शन करवाने, आओ आप सबने रानीवाड़ा खुर्द में, बहुत बढ़िया मंदिर है दोस्तों। अटे है रानेश्वर महादेव मंदिर रानीवाड़ा खुर्द में धाम है, रानेश्वर महादेव जी मंदिर है, वटे मोटो धाम है, वटे आपने दर्शन कराऊ आज अणती पहला आपने सुंदनगिरी जी महाराज जो अठे रात विश्राम करे वहाँ कुटिया अठे वनावली है, आपने वन्ना भी दर्शन कराऊला आप, और सब सुंदनगिरी जी महाराज कुटिया जो रानेश्वर धाम मंदिर रानीवाड़ा खुर्द में है, अठे एक रानेश्वर अठे दाता सुंदनगिरी जी महाराज पधारे रात विश्राम अठे करे, और रानेश्वर महादेव मंदिर में
आपने दर्शन कराऊं, धोनी है अठे विराजमान भी है, आवे जर अठे रात विश्राम करावे आप चंदनगिरी महाराज अधिके सान और सब बासी रहे। रानीवाड़ा खुर्द में आवली है, आप जरूर पधारजो दर्शन करवा। आज हम आए रानेश्वर महादेव धाम, जहाँ पे एक अंकल जी है, उनसे बात करते, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आज बासा इधर कितने टाइम से आप? मैंने 10 साल हुआ साहब। 10 साल हुआ है? 10 साल में भी यहाँ पे आप क्या करते हो? बस उनकी शादी देख रेख। अच्छा, देख रेख करते हो, साफ सफाई वगैरह आप ही रखते हो यहाँ पे? बस उनकी शादी देख रेख मैं रखता। अच्छा, आप दर्शन वाला आओ, उसकी भी सेवा करता, पानी किधर है, किधर काम करना, काम सामान कोई चाहिए करे। ये एक मैंने सुना एक आपकी इधर छोटी सी दुकान दी है प्रसाद की। हाँ, छोटी भी प्रसाद बीजी भी मिल सके ना, मिल सके, नारियल मिल सके, प्रसाद मिल सके, अगरबत्ती मिल सके, ये भगवान कोई बेटे बावसी भगत भी जावे, कोई प्रसाद भी नहीं लाई हुए तो बेटे आप प्रसाद दो। ये भाई गोजा सिर्फ तो कोई मिलत नहीं है। अच्छा, बाकी बीजी प्रसाद मिल सके। अच्छा, हाँ गोजा बीजा तो गवर्नमेंट भी मना, ये धंधा तो कोई कर सका नहीं। बराबर सही, बाकी आप गार्डन लो रख रखा सब आप कितना साल कर रहे हो? 10 साल में 2-3 महीने हो साए, 2-3 महीने। अच्छा, बहुत अच्छा गार्डन है, साफ सफाई एकदम मस्त है। आओ कभी आप भी घूमवा अटे रानेश्वर महादेव धाम, बहुत अच्छो नजारो एकदम बढ़िया। अरे बासा कोई बोलो सा आप बीजो और बीजो काम बोलो क्या? देखो मैं घना वालों कोई बीजो बारह में तो हिंदी बीज नहीं छोड़ता तो लगभग नहीं आती है ओगुटा साहब हो, बाकी ज्ञान बारह में संतोरी पगड़ की आगे की थी काम की राम सबकी पीठ जाने डूंगर ऊपर सरवर जहाँ बसे प्रभु नीर पोसावे ये पसे की जब तक नीर सलता जब तक खोसा तो करता वे नीर शायर में परा मलिया तो पसे कोई हलेन कोई जब बोलो रानेश्वर महादेव की गटगटरी प्रभु जोने आप सही हो तो भगवान अपने माथे ही तो नहीं तो अपनी सही वैनी सही है सब सब तो कर्म अच्छो करो बस तो जुग जुग भगवान अपन अच्छो मार्ग बतावे ये जन्म जन्म अपना प्रभु साथ में सही से आवाज है जो दर्शन पधारिया भलोन सब ठीक है जो हैर तो भाड़ो तो मनी को ठीक है ठीक की दो बाकी मेन मेहनत नहीं की दी बट भगवान जो ने मेहनत नहीं की दी बट तो कोई को है नहीं है। बहुत अच्छी मेहनत की आपने, बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पे एकदम सजा के रखा है, साफ सफाई भी बहुत एकदम अच्छे से है, अंकल जी बहुत यहाँ पे मेहनत करते हैं बहुत अच्छे से। एक और भी अंकल जी हमारे पास ये बैठे हुए, बोलिए अंकल जी आप दो सब। हेलो क्या मेरी आठ है झाड़ो में कोई काबू करो, हाँ आप कोई सफाई करो कोई कोई करो, हाँ जो को करो आज हाथ आठ बजे उठगा। हाँ भाई आठ है मारे भाई या नॉन को है वो आठ है इधर भाई आम आठ है छोटे भाई साहब है इनके बड़े भाई साहब है। हाँ जो को वो भी है आम हो जो को मारी टाइम पास टाइम है भी ना जो सफाई की मार दे बोले जोने ने। हाँ भाई क्या भी आठाते ही मो करो करो काम। एक आप इधर भगवान के मंदिर में आते हैं थोड़ा टाइम बैठे तो मन को शांति भी मिलती रहेगी आपको, शांति भी है अपने शरीर में शांति भी है, थोड़ा जीव बना ठंडो रहे। हाँ जो वो भगवान या द्वारे आवा तो जरूर अपने शांत भी है भगता जरूर जरूर शांत। अभी उन गार्डन का नजारा दिखाएंगे दर्शकों को। आज हम आए हैं रानीवाड़ा खुर्द, देखिए इधर श्री रानेश्वर महादेव धाम गार्डन में और भगवान को आपको दर्शन करवाएंगे श्री रानेश्वर महादेव। हेलो भाई साहब, आज अपन आए श्री रानेश्वर महादेव मंदिर जिसके आजू बाजू में झाड़ी बहुत सारी और आजू बाजू में बहुत पहाड़ियाँ दिखाई देती रहेगी आपको, रुको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। बहुत शानदार वातावरण है इधर का और आइए आप भी कभी दर्शन करने श्री रानेश्वर महादेव धाम का, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है, प्राचीन काल टाइम का, आइए आप जरूर एक बार विजिट कीजिए यहाँ पे भी। फाइनली दर्शन कर लिए भगवान के श्री रानेश्वर महादेव धाम के, अभी फाइनली बाहर जा रहे हैं और आजू बाजू के गार्डन है छोटी छोटी झाड़ियाँ वो आपको दिखा रहे दर्शन करवा रहे। देखिए एक फूल का झाड़ है अच्छा सा, रेड कलर के फूल आ रहे हैं इस पे। देखो प्रवेश द्वार है रानेश्वर महादेव धाम रो और फिर दर्शन किधर रहा बासी हो रहा, हमें बस निकले रिया जा रिया। प्राचीन काल में एक मंदिर तू प्राचीन काल टाइम रो एक गेट है 2015 में बनाया गया तो आप श्रीमती उषा देवी दिनेश कुमार सोलाराम जी जयमा जी बोकिया की तरफ से
देखो आपने कहो लगो वीडियो अच्छो लगो हो तो जरूर सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो, शेयर करजो। हेलो राणेश्वर महादेव के आप भक्त हो तो जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को, डीएसपी को। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।